Hey everyone, I am back with yet another amazing calendar couple embroidery hoop. आप सबकी इतनी डिमांड की वजह से ये वीडियो तो बनाना बनता है. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि ऐसे अमेजिंग से वीडियोस आपको यहीं मिलेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने फैब्रिक को कर लिया है मैंने फिक्स एम्ब्रॉयडरी हुप पर, और अपना फेवरेट डिज़ाइन भी कर लिया है ड्रॉ. इसके बाद लिया है मैंने ये एंकर थ्रेड पिंक कलर में. इससे हम बनाएंगे रोजेस. रोजेस बनाने की प्रोसेस काफ़ी सिंपल है. जस्ट आपको 5 लाइंस को ड्रॉ करना है. एक एक लाइन को आपको इसी थ्रेड से कवर करना है. काफ़ी सिंपल सी प्रोसेस है. सारी लाइंस को इसी थ्रेड से आप कवर कर लीजिए वन बाय वन लाइक दिस. उसके बाद सेंटर से थ्रेड को लेते हुए एक एक लाइन को स्किप करना है और नेक्स्ट लाइन के नीचे से निकालना है. बस इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है. देखिए इस तरह से, और आपका रोज बन जाएगा. रिमेनिंग थ्रेड को हमें अपने हुप के पीछे ले जाकर बाकी थ्रेड के साथ टाई कर लेना है लाइक दिस. और इसी तरह से बाकी रिमेनिंग दो रोजेस भी मैं बना लेती हूँ. है ना काफ़ी क्यूट एंड प्रिटी सिंपल. इसके बाद मैंने लिया है ये ग्रीन कलर का सेम एंकर थ्रेड. इससे हम बनाएंगे लीव्स. लीव्स बनाने की प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है. बस आउटलाइन को आप फॉलो करते जाइए. सिंपल सिंपल स्ट्रेट लाइंस को आप स्टिच करते जाइए ऊपर से नीचे की तरफ. याद रखिए लाइंस के बीच में आपको गैप नहीं करना है. पीछे का फैब्रिक हमारा दिखना नहीं चाहिए. जस्ट आउटलाइन को फॉलो कीजिए ऊपर से नीचे की तरफ और हमारी लीव्स बनकर रेडी हो जाएगी. इसी प्रोसेस से मैंने अपनी सारी लीव्स कंप्लीट कर ली है और हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है. इसके बाद मैंने लिए हैं ये रेड कलर का एंकर थ्रेड. इससे हम अपने अल्फाबेट्स को कंप्लीट करेंगे. अल्फाबेट्स की स्टिचिंग में आपको ध्यान रखना है. कर्व पार्ट पे आपको छोटा छोटा स्टिच करना है. लाइंस का ध्यान रखिए. आउटलाइन को फॉलो कीजिए. जस्ट स्टिचेस का साइज आप छोटा रखिए. सारे ही अल्फ़ाबेट्स हम इसी प्रोसेस से कंप्लीट करते हैं. देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं ना. इसके बाद मैं नंबर्स को कंप्लीट करने के लिए नॉर्मल थ्रेड लिया है और नीडल का साइज़ लिया है मैंने स्मॉल. स्मॉल नीडल से हम सारे नंबर्स को छोटे छोटे स्टिचेस के साथ कंप्लीट कर लेंगे. ध्यान रखिए कि स्टिचेस को आप छोटे छोटे लीजिए और इसी प्रोसेस से हम सारे नंबरिंग को कंप्लीट करते हैं. एंड यहाँ होते हैं हमारे सारे नंबर्स कंप्लीट. इसके बाद मैं कपल नेम की एम्ब्रॉयडरी करूँगी. इसके लिए हमें डायग्राम की लाइंस को आउटलाइन को फॉलो करते जाना है. सबसे पहले हम सारी आउटलाइन को इसी प्रोसेस से सिंपल वाले पतले थ्रेड से कवर कर लेंगे. सी आउटलाइन मैंने कर ली है कंप्लीट. इसी तरह मैं बाकी पार्ट को भी कवर कर लेती हूँ लाइक दिस. हमारी आउटलाइन हो गई है रेडी. अब इसके बाद हम अंदर के पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं. हार्ट को कवर करने के लिए मैंने लिया है ये रेड कलर का एंकर थ्रेड. इससे मैं अपने हार्ट को सिंपल सिंपल लाइन से स्टिच कर लूँगी ऊपर से नीचे की तरफ. मैंने की है आउटलाइन को फॉलो और थ्रेड के बीच में गैप नहीं करिए.
बस आप भी इसी स्टेप को फॉलो करते जाइए और आपका क्यूट सा मिनी लिटिल हार्ट कंप्लीट हो जाएगा विद इन नो टाइम। इसके बाद लिया है मैंने ब्लैक कलर का एंकर थ्रेड और इस थ्रेड से हम बनाएंगे ब्राइड और ग्रूम के हेयर्स। हेयर्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अपर आउटलाइन को नीचे वाली आउटलाइन से मैच किया है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन बनाई है और इसी तरह से हम अपनी ब्राइड के बन को कवर कर लेंगे। यहाँ होते हैं हमारे ब्राइड एंड ग्रूम के हेयर्स डन। इसके बाद मैं अपनी ब्राइड के बन के फ्लावर्स बनाऊंगी। इसके लिए लिया है मैंने सेम वही रेड कलर का एंकर थ्रेड और इससे हम बनाएंगे फ्रेंच नॉट। फ्रेंच नॉट बनाने के लिए आप निडल पर थ्रेड को 3-4 टाइम्स टर्न कीजिए, एक फिंगर से इसे पकड़े रखिए, धीरे धीरे छोड़ते जाइए। याद रखे आपको फिंगर से स्लोली स्लोली छोड़ना है वरना नॉट लग जाएगी। और हो गए हैं हमारे मिनी फ्लावर्स रेडी। बॉडी पेंट करने के लिए लिया है मैंने एक्रेलिक कलर, इससे हम बॉडी के पार्ट को पेंट करेंगे। ब्राइड की ड्रेस पेंट करने के लिए लिया है मैंने ये डार्क पिंक कलर, एक्रेलिक पिंक कलर और इसी से हम ब्राइड की ड्रेस को पेंट कर लेंगे। यहाँ होता है हमारा पेंटिंग पार्ट कंप्लीट। उसके बाद लिया है मैंने नेट का फैब्रिक, इससे मैं अपनी ब्राइड का गाउन बना लेती हूँ। कर लिया है मैंने इसे स्टिच टाइटली, ये देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ना। और ये देखिए मैंने किया है अपने फ्रेम को पीछे कंप्लीट सिंपल स्टिचेस लगा के, एक्स्ट्रा फैब्रिक कर लिया है मैंने कट। ये बनाए हैं मैंने टेसल्स ऊन से, आप अपनी चॉइस के किसी भी कलर के टेसल्स बना सकते हैं और एक थ्रेड में या ऊन में मैंने कर लिए हैं इनको टाई। ऐसी बनाई है मैंने 5 लाइंस और इन लाइंस को मैं अब सेंटर से पीछे की तरफ अटैच करती जाती हूँ। आप अपनी चॉइस से किसी भी पैटर्न में इसे स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए मेरी लाइंस हो गई हैं कंप्लीट, क्यूट लिटिल मिनी पिंक टेसल्स लग रहे हैं, काफ़ी प्रिटी। उसके बाद मैंने अपने फ्रेम की बॉर्डर्स को किया है डेकोरेट, ये है पर्ल स्टिकर्स। पल्स को 1-1 इंच के गैप से मैंने स्टिक किया है ग्लू गन की हेल्प से, आप चाहो तो कलरफुल रिबन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। हुप को कंप्लीट किया है मैंने रेड कलर की बो से एंड यहाँ होता है हमारा एम्ब्रॉयडरी हुप कंप्लीट। वाओ, बेस्ट ऑप्शन फॉर एनिवर्सरी एंड वेडिंग गिफ्ट। तो आप भी बनाइए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलती हूँ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।